सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी उन सारे कंट्रीज के जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन लोगों की सेलिब्रिटी ऐसी रिपुटेशन हो गई थी जैसे अमेरिका के पास थे ड्राइट आइजन हावर जॉर्ज पैटन डगलस मकार्थर की तो ऐसी इमेज थी कि लोग उनको हीरो मानते थे फिर तो अगर ब्रिटेन में आ जाओ आप तो ब्रिटेन में थे जनरल मन या फिर आर्थर हैरिस जर्मनी के पास एक से बढ़कर एक मिलिट्री कमांडर्स वॉन मैनस्टाइन आ गए या फिर जर्मन नेवी के कार्ल डोनिट्स जिन्होंने जर्मन यूबोट्स के लिए एक वुल्फ पैक की टेक्निक बनाई थी पर जिस जर्मन जनरल को सबसे ज्यादा लोग याद करते हैं जिनको एक मिलिट्री जीनियस माना जाता है वो थे अरविन रॉमल ये जर्मन आर्मी में प्रमोट होते होते पहुंच गए थे फील्ड मार्शल के रैंक तक और एलाइड कमांडर्स भी अरविंद रोमल को द गुड नाजी बोलते थे मतलब एक यही एक यही जर्मन जनरल थे जिनकी सब लोग रिस्पेक्ट करते थे साल 1941 में जब हिटलर ने देखा कि उनके साथ ही इटली के जो फोर्सेस हैं नॉर्थ अफ्रीका में उनकी हालत खराब हो रही है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फोर्सेस जीत रही हैं तो उनको रोकने के लिए हिटलर ने जर्मनी का एक अफ्रीका कोर बनाया और उस अफ्रीका कोर का कमांडर बनाया अरविंद रोमल को तो जब अरविंद रामबल नॉर्थ अफ्रीका में पहुंचे तो आते ही उन्होंने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ दिया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फोर्सेस को हरा दे रहे पर एक बार फिर किस्मत पलटी और जब अमेरिकन यहां पर आ गए नॉर्थ अफ्रीकन थिएटर में तो एक तरफ थे अमेरिकन एक तरफ थे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फोर्सेस तो जो बीच में जर्मन थे और उनके साथ इटालियंस थे वो पीछे हटते हटते फाइनली वो समझ गए कि यहां पे हमको सरेंडर करना पड़ेगा और जब हिटलर ने ये जान लिया कि उसकी फोर्सेस अफ्रीका को अब सरेंडर करने वाली है तो हार से बचाने के लिए हार की बदनामी से बचाने के लिए उसने अरविंद रोमोल को वापस यूरोप में बुला लिया और यूरोप में बुला के अरविंद रोमल को कहा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है वेस्टर्न फ्रांस का डिफेंस यानी जो हिटलर और उसके कमांडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अलाइड फोर्सेस अब वेस्टर्न फ्रांस से अंदर आएगी उनको रोकने की जिम्मेदारी अब अरविंद रोमल को दी गई इस नई जिम्मेदारी के साथ जब अरविंद रोमल फ्रांस की कोस्टल बाउंड्रीज का मुआयना करने निकले तब उन्होंने देखा कि यहां पे तो बहुत कमियां अभी हमको अपने डिफेंसेस को और स्ट्रांग बनाना होगा और उसका रीजन यह था कि अरविंद रोमल चाहते थे कि जितनी भी एलाइड फोर्सेस आएंगी उनको हमको बीच पे ही रोकना है यानी उनकी बीच लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं होनी चाहिए अब सुनने से देखने से ये एक स्ट्रैटेजी एक बहुत ही कमाल की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी लगती है कि आप अपने दुश्मन को बीचस पे ही लैंड ना करने दो उनको वहीं से वापस खदेड़ दो पर कुछ ऐसे थे जर्मन मिलिट्री में जो इस सोच के साथ सहमत नहीं थे बात ऐसी थी कि अरविंद रोमल अब इतने फेमस हो गए थे और हिटलर के इतने चहीते हो गए थे कि अब रोमल ने जो प्लान बना दिया उसको नकारना आसान नहीं था परंतु जो जर्मन कमांडर अरविंद रॉमल से सहमत नहीं था उनके अगेंस्ट कह रहा था वो खुद एक बहुत ही प्रचलित और एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जर्मन कमांडर था और इनका नाम था गर्ड वॉन रूनस्टेड ये ऐसा कह रहे थे कि हमको एलाइड फोर्सेस को बीचेस से अंदर आने देना चाहिए और अंदर आने के बाद हमको उनपे अटैक करना चाहिए अब रूजिस्टेड की भी बहुत जबरदस्त रिप्यूटेशन थी क्योंकि 1939 में जब पोलैंड का इन्वेजन हुआ था तब इनको आर्मी ग्रुप साउथ का कमांड दिया गया था और वहां उन्होंने बहुत जीते दिलाई उसके बाद जब बैटल ऑफ फ्रांस हुआ था तो उस बैटल ऑफ फ्रांस में भी आर्मी ग्रुप ए यानी वो ग्रुप जिसने आर्डन फॉरेस्ट के थ्रू अटैक किया था फ्रांस को बिल्कुल हैरान कर दिया था उसके कमांडर भी रूस्टेड ही थे तो वहां पे उनको बहुत जीते मिली थी और उस अटैक के समय यानी बैटल ऑफ फ्रांस के समय रूस्टेड के नीचे रह के अरविंद रॉमल ने काम किया था उसके बाद 1941 में जब बारा आया जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन को इन्वाइट किया उस समय भी आर्मी ग्रुप साउथ का कमांड रूनस्टेट के पास ही था और वहां पर भी उन्होंने शुरुआत में बहुत जीतें दिलाई थी तो रूनस्टेट की भी बहुत जबरदस्त रेपुटेशन थी तो इसलिए जो अरविंद रॉमल की स्ट्रेटेजी थी कि हम एलाइड फोर्सेस को बीचेस पर ही रोकेंगे उसके विपरीत कह रहे थे रूनस्टेट के हम उनको अंदर आने देंगे फिल्म पर हमला करेंगे इन दोनों दिग्गज जनरल्स के बीच में जो मनमुटाव था जो बहस हो रही थी उस बहस के वजह से एक एक करके जर्मन मिलिट्री वेस्टर्न फ्रांस में हारने लगी और धीरे धीरे फिर 1945 में उनको सरेंडर करना पड़ा अब यहां ही बहुत इंटरेस्टिंग बात है अगर सर्विस और एक्सपीरियंस में देखा जाए तो रूंस्टेट सीनियर थे रॉमुल उनके जूनियर थे और ऐसी सिचुएशन में जब आपका सीनियर जूनियर में बहस हो रही है तो जनरली सीनियर की ही बात मानी जाती है तो इस सिचुएशन में बहस क्यों हो रही थी क्यों इन लोगों में एक सहमति नहीं हो पा रही थी जो रूनस्टेट कह रहे थे उसको माना जाना चाहिए था पर ऐसा क्यों नहीं हुआ और दूसरी बात ऐसा क्यों था कि रोमल चाहते थे कि बीचेस पर ही रोका जाए और रूस ऐसा क्यों कह रहे थे कि हमको अंदर आने देना चाहिए इन दोनों की स्ट्रैटेजी में इतना डिफरेंस क्यों था यह सब कुछ समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि 1944 जून के समय यानी जब नॉर्मेंडी लैंडिंग्स हुई थी उस समय जर्मन मिलिट्री का फ्रांस के अंदर कमांड स्ट्रक्चर क्या था उनका चेन ऑफ कमांड कहानी शुरू होती है साल 1942 से अब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर कर चुका है और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा कि उनकी पॉलिसी होगी यूरोप फर्स्ट हालांकि अगर देखा जाए तो पर्ल हार्बर पे 1941 में जापान जापान ने अटैक किया था था तो उस हिसाब से पहले अमेरिका को को एंगेज करना चाहिए पर रूजवेल्ट चाहते थे कि पैसिफिक में जापान को हराने से पहले हमको यूरोप में जर्मनी को हराना है पर साथ ही साथ वो ये भी जानते थे कि जर्मनी की यूरोप के अंदर पोजिशन बहुत स्ट्रांग है सिर्फ वेस्टर्न यूरोप के अंदर जर्मनी ने दस लाख से ज्यादा सोल्जर्स को तैनात किया हुआ था उसके साथ साथ पूरे वेस्टर्न यूरोप की जो कोस्टल बाउंड्री है नॉर्वे से लेकर बिल्कुल फ्रांस के नीचे तक यहां पे बहुत सारे डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स थे जिसको वो अटलांटिक वॉल कहते थे जिसकी वजह से कोई भी अगर बड़ा एम्फीबियस इन्वेजन आपको करना है तो आपको पहले इस लाइन को तोड़ना पड़ेगा और इसी वजह से किसी भी एलाइड फोर्स का वेस्टर्न यूरोप के थ्रू अंदर आना बहुत मुश्किल था और इसी वजह से उस समय यूरोप को फोर्ट्रेस यूरोपा कहते थे क्योंकि यूरोप एकदम फोर्ट की तरह एक किले की तरह मजबूत था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और उनके मिलिट्री कमांडर से बात जानते थे कि हमको जर्मनी को एंगेज तो करना है पर हम यूरोप नहीं आ सकते तो उनको और कहा एंगेज किया जाए तो उन्होंने फैसला किया कि वो जर्मनी को एंगेज करेंगे नॉर्थ अफ्रीकन थिएटर में और इसी वजह से साल 1942 में अमेरिकन फोर्सेज ने फ्रेंच नॉर्थ अफ्रीका में लैंड करना स्टार्ट किया ये था ऑपरेशन टॉर्च और जब ये लैंडिंग्स हो रही थी उस समय नॉर्थ अफ्रीका में जर्मन फोर्सेस के कमांडर थे अरविंद रोमल और उन्होंने एक से बढ़कर एक बहुत बड़ी बड़ी जीते जर्मन फोर्सेस को एक्सिस फोर्सेस को दिलाई थी और ऐसा लग रहा था कि अब नॉर्थ अफ्रीका में ब्रिटिश लोग ऑलमोस्ट हार ही जाएंगे पर तब अमेरिकन आ गए और उसके बाद दोनों साइड की जो कंबाइंड फोर्सेस थी उनके सामने अब रोमल को झुकना पड़ा और फिर रोमल अपनी फोर्सेस को पीछे खींचने लगे और एक तरफ से अमेरिकन आगे बढ़ रहे थे एक तरफ से ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली रोमल को यहां से निकलना पड़ा अब दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के लीडर स्टालिन कब से एलाइंस को ये जोर डाल रहे थे कि आप सेकंड फ्रंट ओपन करो सेकंड फ्रंट ओपन करो जर्मनी को एक दूसरी तरफ से भी इंगेज करो ईस्टर्न फ्रंट पर हमने किया हुआ है और वेस्टर्न फ्रंट से आप इंगेज करो तो सब ये बात जानते थे कि अब अलाइड फोर्सेस को वेस्टर्न यूरोप में एंटर तो करना ही है ये बात अलाइड फोर्सेस जानती थी और ये बात हिटलर और उसकी लीडरशिप भी जानती थी तो उनका अब पूरा फोकस इस बात पे था कि हमको वेस्टर्न यूरोप को अच्छे से डिफेंड करना है तो इसी वजह से हिटलर ने अरविंद रॉमल को जिम्मेदारी दी कि आप वेस्टर्न फ्रांस में जितने भी कोस्ट हैं बीचेज हैं उनकी प्रोटेक्शन का उनके डिफेंसेज का अच्छे से प्लानिंग करो दूसरी तरफ ब्रिटिश और अमेरिकन मिलिट्री लीडरशिप भी यह बात अच्छे से जान रहे थे कि यहां पे लैंड करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो जानते थे कि यहां पे अटलांटिक वॉल है और वेस्टर्न फ्रांस के किसी भी हम बीच पे लैंड करेंगे तो बहुत जबरदस्त जर्मन रेजिस्टेंस मिलेगा और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपने अपनी फोर्स को वहां पर पहुंचा दिया आपको यह भी इंश्योर करना है कि अपनी फोर्स वहां पर उतारने के बाद आपकी फोर्स आगे मूव कर पाए इस सब के लिए आपको अपने फोर्सेस को बहुत सारा इक्विपमेंट देना है हथियार देने हैं एम्युनेशन देना है और ऑयल देना है और यह सब कुछ होने के बाद ही आपकी फोर्सेस आगे बढ़ पाएंगी लैंड करने के बाद और इसी वजह से यूरोप में इस लैंडिंग के लिए जो एलाइड फोर्सेस की तैयारी थी वो बहुत टाइम से चल रही थी लगभग दो साल से भी पहले से वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे कि कैसे हमको वेस्टर्न फ्रांस में लैंड करना है और इसके साथ साथ एलाइज ये भी चाहते थे कि जर्मन को पता ही ना चले कि हम लैंड कहाँ करने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सीक्रेट मिशन बनाया जिसको ऑपरेशन फोर्टी कहते हैं जिसके अंतर्गत वो लोग कॉन्स्टेंटली अपने स्पाइस को अपने इंफॉर्मर्स को जर्मनी में भेज भेज के गलत इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचा रहे थे कि हमारी जो लैंडिंग है वो पॉइंट ए पे होने वाली है बट हम दिखाएंगे कि पॉइंट बी पे हम लैंड करेंगे इस तरह से पूरा प्रिपरेशन करने के बाद अब एलाइट फोर्स जून 1944 में रेडी थे फ्रांस में लैंड करने के लिए ये तो सारी बातें हो गई एलाइट साइड की अब हम देखते हैं जर्मन साइड उस टाइम के लिए यानी 1944 के लिए जर्मनी के लिए बहुत बहुत जरूरी था कि वो वेस्टर्न यूरोप को डिफेंड कर पाए क्योंकि अगर वहां पे एलाइड लैंडिंग सक्सेसफुल हो गई और वो लोग अंदर आ गए तो एक बार फिर से वही होगा जर्मनी के साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था यानी टू फ्रंट वॉर एक तरफ होगा ईस्टर्न फ्रंट जहां पे ऑलरेडी सोवियत यूनियन हमला कर रहा है और दूसरी तरफ होगा वेस्टर्न फ्रंट जहां पे होंगी ब्रिटिश अमेरिकन और फ्रेंच कंबाइंड फोर्सेस ये सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था और ये चीज जर्मन बिल्कुल नहीं चाहते थे वो किसी भी हालत में लैंडिंग को सक्सेसफुल होने नहीं देना चाहते थे पर जर्मन इस लैंडिंग को रोकते कैसे देखिए किसी भी बड़ी लैंडिंग को रोकने के लिए आपको एक बहुत अच्छी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी चाहिए और एक अच्छी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको एक क्लियर चेन ऑफ कमांड चाहिए अब ये चेन ऑफ कमांड क्या होता है देखिए मिलिट्री में या फिर किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है कि आप जब उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो आप नीचे जूनियर लेवल पर ज्वाइन करते हो और धीरे धीरे टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ आपका प्रमोशन होता है और धीरे धीरे करके आप टॉप पर पहुंचते हो एग्जाम्पल के लिए आप इंडियन आर्मी को देखिए इसमें घुसने के दो तरीके होते हैं एक होता है ऑफिसर्स की एंट्री और एक होता है जवानों की एंट्री यानी सोल्जर्स अगर आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर की तरह जा रहे हैं तो आपका पहला रैंक होगा लेफ्टिनेंट उसके बाद आप बनोगे कैप्टन फिर मेजर ऐसे आपका प्रमोशन होता रहेगा अगर आप जवान की तरह यानी जूनियर रैंक पे अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो तो आपका पहला रैंक होगा सिपाही फिर लायंस नायक फिर नायक ऐसे धीरे धीरे करके आपका प्रमोशन होगा तो इस तरह से बहुत समय बिताने के बाद आप धीरे धीरे ऊपर पहुंचते हो ये होता है आपका हायर अब आप मान लीजिए कि आप इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट हो यानी आपका पहला रैंक है और आप बिल्कुल नई नई पोस्टिंग पे एक यूनिट में पहुंचे वहां पहुंच के आपको कोई चीज वहां पर अच्छी नहीं लगी या फिर आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी आपको कोई सुझाव या कोई कंप्लेन देना है ये आप किसको करोगे आप एक कंप्लेंट सुझाव दोगे अपने से एक सीनियर बंदे को यानी इस सिचुएशन में आप एक कंप्लेंट या सुझाव दे सकते हो अपने से ऊपर यानी कैप्टन को या फिर मेजर को किसी किसी केस में आप उस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को भी अपना ये रिमार्क दे सकते हो अब आपका जो सीनियर ऑफिसर है वो खुद अगर उस कंप्लेंट या सुझाव पर काम कर सकता है तो उसको टिक करेगा उस पर काम करेगा अगर वो नहीं कर सकता तो फिर वो अपने सीनियर के पास जाएगा ऐसे करते करते आप एक हरकी फॉलो करते हो एक सिस्टम फॉलो करते हो जिसको आप कहते हो चेन ऑफ कमांड ऐसा नहीं है कि आपका पहला रैंक है आप लेफ्टिनेंट हो और आपको कोई कंप्लेंट या कोई सजेशन है आप जाके सीधे चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी के जो मेन जनरल होते हैं उनके पास आप जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते अगर आपने ऐसा किया तो आप चेन ऑफ कमांड को तोड़ रहे हो और ये चीज बहुत गलत मानी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और मिलिट्री में तो खासकर अगर आर्मी आप छोड़ दो अगर आप किसी नॉर्मल एक प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करते हो आपका पहला पहला रैंक है पहला दिन है और आपको कोई सुझाव देना है तो आप अपने मैनेजर को दोगे ना कि उस कंपनी के सीईओ को वो इसलिए क्योंकि आप एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो कर रहे हो आप उस हायरिटी को फॉलो कर रहे हो अगर आपका चेन ऑफ कमांड बिल्कुल क्लियर नहीं है बिल्कुल साफ नहीं है तो जितने भी आपके कमांडर्स हैं वो अपना अपना कुछ करेंगे और इसी वजह से एक यूनिफाइड एक कोजिव स्ट्रेटेजी नहीं बन पाएगी और बिल्कुल यही हुआ 1944 में में यूरोप अगर जर्मनी का जून 1944 का कमांड स्ट्रक्चर देखें हम वेस्टर्न यूरोप में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सबसे टॉप पे है ऑब्वियसली फ्यूर भी था और साथ में सारी आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ भी था उसके तुरंत नीचे आता था जर्मन आर्म फोर्सेस का हाईकमांड जिसके चीफ थे विलियम काइटल ये थे जर्मन चीफ ऑफ स्टाफ अब एक आइडिया सिनेरियो में क्या होता कि चीफ ऑफ स्टाफ सबसे ऊपर होते और बाकी जितने भी मिलिट्री कमांडर्स थे वो उनके नीचे होते और वो चीफ ऑफ स्टाफ को रिपोर्ट करते पर यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ अब नाम के लिए काइटल चीफ ऑफ स्टाफ थे ठीक है पर यहां पे जो जर्मन नेवी थी नेवी ग्रुप वेस्ट उसके मेन ऑफिसर थे कार्ल डोनिट्स और वो काइटल को रिपोर्ट नहीं करते थे वो रिपोर्ट करते थे हिटलर को तो अगर यहां पर काइटल को नेवी की कुछ हेल्प चाहिए तो वो पहले हिटलर से परमिशन लेंगे वैसे ही यहां पे जो जर्मन लुफ फाफी थी एयरफोर्स उसके जो मेन कमांडर थे वो थे हरमन गोरिंग और वो भी टाइटल को नहीं हिटलर को रिपोर्ट करते थे और सबसे बड़ी बात जिस कमांडर को फ्रांस के डिफेंस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि फ्रांस को आपको डिफेंड करना है वो थे फील्ड मार्शल गर्ड वॉर्न रूंस्टेड और उनके पास ना ही नेवी की चीज का कंट्रोल था और ना ही एयरफोर्स का कंट्रोल था उनके पास था आर्मी ग्रुप बी और थर्टी इन्फेंट्री डिवीजन और यहां पे आता है ट्विस्ट जो उनके पास आर्मी ग्रुप बी था उसके कमांडर थे अरविंद रोमल और अरविंद रोमल की जो स्ट्रेटेजी थी डिफेंस को लेके वो गर्ड बॉर्न रूस्टेड से कंप्लीटली अलग थी तो यहां पे आप देखिए कि गर्ड बॉर्न रूस्टेड को पेपर पे फ्रांस के डिफेंस की जिम्मेदारी दे दी गई थी पर डिफेंस करने के लिए जो जो चीजें उनको चाहिए उनको नेवी की हेल्प चाहिए एयरफोर्स की हेल्प चाहिए यहां तक कि अपने पैंजर डिवीजन की हेल्प चाहिए आर्मी ग्रुप बी वो सारी चीजें वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते

अब जहां नॉर्मल चाहे उन पैंजर डिविजन्स को वहां वो यूज कर सकता है जब ये बात रुनसेट को पता चली तो ऑब्वियसली वो बहुत गुस्सा हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि रॉमल ने चेन ऑफ कमांड को ब्रेक किया है वो डायरेक्टली हिटलर के पास चले गए तो इस बात की कंप्लेंट करने के लिए अब रुनसेट हिटलर के पास गए और उन्होंने हिटलर को समझाया कि ये जो कर रहा है रॉमल ठीक नहीं है आप ऐसा करें कि जो डिजन है उनका कंट्रोल मेरे पास ही रहने दें और मेरी स्ट्रेटेजी है कि हम एलाइड फोर्सेस को लैंड करने दें और जब वो अंदर आ जाएंगे तब उनके ऊपर उनकेटेड अटैक करके उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करें अब ये बात भी हिटलर को अच्छी लगी एक जनरल कह कह रहा है, ये कह रहा है है दूसरा तो इस तरह से दोनों दिग्गज जनरलों के बीच में हिटलर फंस गया और उसने कहा कि चलो भाई कॉम्प्रोमाइज करते हैं उसने रोमोल को कहा कि तुम्हारे पास रहेंगे तीन पैंजर डिविजन और रूनसट को मिलेंगे चार अब इसके वजह से जो डिसाइसिव एडवांटेज है वो मिल गया को अब फाइनली जब 1944 6 जून की तारीख आई यानी डी डे आया और में एलाइड फोर्सेस लैंड करना स्टार्ट की तो रोमल ने अपने पैंजर को तुरंत लैंडिंग की तरफ भेजा उनको रोकने के लिए और जैसा रोमल ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ रोमल ने कहा था कि दिन के टाइम हमारे पैंजर्स को मूव करने के लिए तकलीफ होगी क्योंकि जो एलाइड एयर पावर है वो इतना फायर करेंगे ऊपर से कि हमारे पैंजर डिवीजन हमारे आर्मर्ड व्हीकल्स मूव नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ हालांकि रोमल के तीन पैंजर डिवीजन उसने बीचेस के पास रखे थे पर फिर भी एलाइड एयर सुपीरियोरिटी इतनी तगड़ी थी कि उनके उतने पैंजर डिवीजन भी इजिली मूव नहीं कर पा रहे थे यह तो हो गए रोमल के तीन पैंजर डिवीजन रूस के पास जो चार डिवीजन थे उनका क्या हुआ उनका कुछ नहीं हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि रोस्टेड के के पास जो चार थे थे वो भी बस नाम के थे। उनको अगर उसको ऑर्डर देना है तो पहले उसको हिटलर से परमिशन लेनी पड़ेगी और जब ये लैंडिंग हो रही थी 6 जून की सुबह छह बजे के आसपास उस समय हिटलर से हो रहा था और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके हिटलर को जगा सके तो जब जो इंपॉर्टेंट टाइम था जब सारे ट्रूव लैंड कर रहे थे जो सबसे सेंसिटिव टाइम था उस समय के चार पैंजर बिल्कुल यूज ही नहीं हुए एक बात यह भी थी कि जर्मन लीडरशिप कन्विंस नहीं थी कि जो नॉर्मेडी में लैंडिंग्स हो रही है वो एक्चुअल लैंडिंग्स हैं उनको ऐसा लग रहा था क्योंकि उनके स्पाइज ने सारी झूठी इंफॉर्मेशन उनको दी थी उनको यह था कि जो लैंडिंग्स यहां पे हो रही हैं ये एक डाइवर्जन है ये एक फेक है पर जो मेन लैंडिंग होगी वो पाटाकले में कुछ दिनों के बाद होगी तो इस वजह से भी जो रूस्टेड के चार पैंजर डिविजन थे वो बहुत समय तक मूव ही नहीं किए और जब उनको मूव करने का ऑर्डर मिला तब बिल्कुल वही हुआ जो रोमन ने कहा था डे टाइम जब वो मूव कर रहे थे तो एलाइड एयरप्लेन्स इतने उनपे फायर कर रहे थे बॉम्ब ग रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गए और इसी वजह से जो सात पैंजर डिविजन हैं, उसकी ज्यादातर जो ताकत है वो उस समय यूज नहीं हो पाई जब सबसे ज्यादा वो इंपैक्ट कर पाते एलाइड लैंडिंग को और इसी वजह से छ जून नाइनटीन को एलाइड लैंडिंग नॉर्म के बीच पे सक्सेसफुल हुई अब अगर इस पूरी सिचुएशन को देखें तो जर्मन मिलिट्री से मिस्टेक कहां पे हुई उनकी मिस्टेक थी एक क्लियर चेन ऑफ कमांड ना होना जिस बंदे को रुनस्टेड को आपने पूरी वेस्टर्न यूरोप की जिम्मेदारी दी हुई है कि वहां से कोई लैंडिंग ना आए और कोई लैंडिंग आता है तो आप उसका जवाब देना है जवाब देने के लिए जितने भी टूल्स वो यूज कर सकता है अपने नेवल बैटरीज को यानी जो कोस्टल जो गन्स होती हैं उनको यूज करना है तो पहले उसको नेवी के बंदे की परमिशन लेनी पड़ेगी वो हिटलर से परमिशन लेगा अगर उसको लुफ के प्लेन यूज करना है तब फिर उसको हिटलर से परमिशन लेनी पड़ेगी यहां तक कि जो अपने सात पैंजर डिवीजन है वो भी उसके पास नहीं है वो थोड़े रॉमल लेके चला गया तो जिस व्यक्ति को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई है उस व्यक्ति को उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पावर नहीं मिली है और क्योंकि उस समय की जर्मन मिलिट्री लीडरशिप में आपस में बहुत स्पर्धा थी बहुत कंपटीशन की भावना थी और इसी वजह से इतने सारे सीनियर ऑफिसर्स डायरेक्टली हिटलर को रिपोर्ट करते थे चाहे वो कार्ल हो गए नेवी के कमांडर एस एस के कमांडर एसएस के भी कमांडर हिटलर को ही रिपोर्ट करते थे तो ओवरऑल सारा जो कंट्रोल है वो हिटलर के पास था और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं कर पा रही थी एक बार के लिए मान लेते हैं कि अगर के पास आर्मी नेवी एयरफोर्स का पूरा कंट्रोल होता तो क्या वो यहां पर एलाइड लैंडिंग्स को रोक पाता शायद शायद नहीं यह गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि वो एक्चुअली इस एलाइड लैंडिंग को रोक लेता पर यह गारंटी से जरूर कहा जा सकता है कि एलाइड कैजुअलिटीज जो उस समय हुई थी डी डे के दिन उससे कहीं ज्यादा कैजुअलिटीज होती अगर के पास सारी ताकत सारी फोर्स होती उस लैंडिंग को रोकने के लिए और अगर एलाइड कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हाई होती तो ऐसा हो सकता है कि जो एलाइड एडवांस है नॉर्मंडी में वो भी थोड़ा स्लो होता और अगर जर्मनी की किस्मत बहुत ही अच्छी होती तो यह भी हो सकता है कि इन हाई कैजुअलिटीज को देख के शायद से ब्रिटिश और अमेरिकन लीडरशिप वेस्टर्न यूरोप से आगे नहीं बढ़ते वो इटली के ऊपर फोकस करते तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि ये लोग वेस्टर्न यूरोप से बाहर निकल जाते और सारा जो दबाव है वो फिर से ईस्टर्न फ्रंट पर ही आता और ऐसा हो सकता है कि अगर जर्मनी को सारा फोकस करने का मौका मिलता सिर्फ सोवियत यूनियन के ऊपर तो शायद मे बी शायद वो सोवियत यूनियन को कुछ सालों में डिफीट कर देते पर जैसा मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ अटकले हैं स्पेक्यूलेशन है सोवियत यूनियन अच्छे से काउंटर अटैक कर रहा था फ्रंट पर तो शायद हो सकता है कि सोवियत यूनियन अकेले ही जर्मनी को हरा देते और शायद यह हो सकता है कि आज यूरोप का मैप काफी अलग होता पर ये सारे सिर्फ स्पेकुलेशन है सिर्फ इमेजिनेटिव बातें हैं पर इस इंसिडेंट से जो एक बात बिल्कुल साफ निकल के आती है वो ये है कि आपकी मिलिट्री अगर कोई बहुत बड़ा डिफेंसिव ऑपरेशन या कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन कर रही है तो उनके पास जो चेन ऑफ कमांड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अगर आपके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो अपना अलग अलग कुछ एक्ट कर रहे हैं अपने सीनियर से परमिशन ना लेके सीधे उसके सीनियर के पास जा रहे हैं बार बार चेन ऑफ कमांड टूट रही है तो एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन करना काफी मुश्किल हो जाता है अगर आपको जर्मनी के बैटल ऑफ फ्रांस के बारे में जानना है कैसे उन्होंने फ्रांस में इतनी तेज जीत हासिल की या फिर आपको ऑपरेशन फोर्टिट्यूड कि कैसे एलाइड स्पाइज ने उनके इन्फॉर्मर्स ने कैसे जर्मनी को पूरी गलत इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने ये कन्विंस कर दिया कि जो लैंडिंग है ये नॉर्मेंडी में नहीं होकर पार्टअ अकेले में होगी उसके बारे में अगर आपको जानना है या फिर अगर आपको डी डे लैंडिंग्स के बारे में जानना है तो ये सारी चीज़ें सारे वीडियोस मैंने अपनी एक वर्ल्ड वो टू की सीरीज बनाई है जिसमें सेवेंटी फाइव एपिसोड्स हैं काफ़ी लंबी डिटेल सीरीज है और इसमें सारी चीज़ें मैंने एपिसोड बाय एपिसोड कवर की हैं उस सीरीज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासम को सब्सक्राइब जरूर करें